अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक से हैं। तो चलिए मैं आज आपको हमारे अम्मी की रेसिपी बताती हूँ, भिंडी मसाला। ये सिंपल सी भिंडी मसाला है। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो 250 ग्राम्स ऑफ ऑनियन, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, और ये है ऑलमोस्ट 450 to 500 ग्राम्स ऑफ भिंडी, जिसको मैंने काट लिया है, और यह है कुछ सूखे मसाले। इसमें है हल्दी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ी सी करी लीव्स। मैंने करी लीव्स को धो के सुखा के लिया है, मैं ऐसे ही हमेशा घर पे स्टोर करके रखती हूँ। तो जैसे बनाती जाऊँगी आपको प्रोसेस बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आप बनाना स्टार्ट करते हैं भिंडी की सब्जी। इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, सूखी रोटी या ऑयल लगा के। तो दोस्तों मैंने ऑयल ऐड किया है, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं करी लीव डाल दूंगी, करी पत्ता, थोड़ा उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद मैं ऑनियन ऐड करूँगी। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला था। अभी ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत सिंपल सी भिंडी मसाला है। ये भिंडी मेरी मम्मी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें वो करी पत्ता नहीं ऐड करते, मैं ऐड करती हूँ। इट इज़ वेरी गुड फॉर आई आईज एंड हेयर, इसलिए मैं इसको ऐड करती हूँ। जैसे ही ये गोल्डनिश हो जाएगा तो उसमें मैं सूखे मसाले ऐड करके थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, फिर भिंडी डाल के फ्राई कर लेंगे। सिंपल हो गया। तो दोस्तों देखिए, हमारी ये ऑनियंस अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, मुझे ऐसे ही चाहिए थी। अभी इसमें मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। 1 स्पून चिल्ली पाउडर, 1 स्पून सॉल्ट और 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। इसको 2 मिनट के लिए सॉटे करते हुए, स्टर्व करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी, जिसको मैंने काट के रखा है। देखिए, तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से फ्राई करना है। एक्चुअली भिंडी को मैं ऑनियंस को फ्राई करने के पहले ड्राई रोस्ट भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे, फिर 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट तक इसको ढक के स्लो फ्लेम पे बनने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही 2 से 3 बार इसको फ्राई कर रही हूँ, सॉटे करते हुए चलाते हुए। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, भिंडी फ्राई। इसको फ्राई होने में लो फ्लेम में तकरीबन 20 मिनट्स लगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको कैसा लगा। ये झटपट बनने वाली भिंडी है, इसको आप रोटी के साथ, फुलकों के साथ भी खा सकते हैं, एज ए साइड डिश भी खा सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।